Assalamualaikum and welcome back to my channel. कैसे हैं आप सब है आप सब? सब उम्मीद है कि से होंगे हाँ जी तो सुबह तकरीबन बजे मैं उठ गई थी, नमाज वगैरह पढ़ लेने के बाद अभी थोड़ी रोशनी निकलना शुरू हुई थी तो मुझे था कि मैं अपने घर की खिड़कियां खोल लू ताकि ताजा हवा जो है ना वो मेरे घर के अंदर आ जाए तो ये जो व्लॉग है ये वीकेंड का है एंड आप लोग मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आप इतनी सुबह कैसे उठ जाती हैं तो मैं सीरियसली मैं एक रात को ये सोच के सोती हूँ कि मैंने सुबह पाँच बजे उठ जाना है ताकि मेरे का घर के काम जो है ना वो बहुत जल्दी और टाइम नहीं हो जाए तो सुबह क्योंकि ये वीकेंड है मैं चाहूँ तो मैं सो भी सकती थी वैसे पहले पहले कि अगर मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करूं ना बिलीव में मैं दस उठती थी। सारे के सारे काम ना इतने मेरे लेट हो जाते थे कोई काम करने का दिल नहीं चाहता जब आप इतना लेट उठते हो अब ये है कि मैं जब 5 बजे उठती हूँ मेरे सारे घर वाले बहुत लेट उठते हैं सिवाय मेरे हस्बैंड के तो मैं अपनी रूटीन इंजॉय करती हूँ खैर मैं सुबह उठ गई थी मैंने जो है वो चिया सीड और उसमें नीम गर्म पानी पी लिया था फिर मैंने नमाज वगैरह पढ़ ली मैं उससे फारिग हो गई और उसके बाद मैं अभी आई हूँ मैं अपने साथ एक कप ऑफ कॉफी लेकर आती हूँ सीरियसली ये इतने सुकून वाला टाइम होता है सुबह सवेरे का और जिस वक्त मैं कॉफी पी रही होती हूँ मैं अपना ये मी टाइम इतना इंजॉय करती हूँ आप लोग चाहें तो क्यों नहीं कर सकते आप लोग भी ये रूटीन अपना सकते हैं सुबह जब सब घर वाले सो रहे होते हैं ना वीकेंड पे औरतें कहते हम खल खुआर हो रहे हैं आ, हम लेट उठ रहे हैं और बच्चों के साथ लगे यही रूटीन होती है आप नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा कि लेट उठे भागम भाग नाश्ता बनाया या बाजार से कोई नाश्ता ले आए और उसके बाद जो है ना वो क्योंकि सबकी छुट्टी है तो मेरी भी छुट्टी है मैं एक बात बताऊं वो छुट्टी में ना आप ज्यादा जो है वो थकते हो ना कि आप अगर पाँच बजे उठेंगे तो उसके बाद आपके पास अपने लिए भी टाइम होगा अपनी स्किन केयर भी थोड़ी सी कर सकते हैं और उसके बाद ये होता है कि आप बड़े आराम से अपनी मॉर्निंग रूटीन उस वक्त स्टार्ट करते हैं जब सारा घर सो रहा होता है तो मेरे हस्बैंड उठ गए थे अभी ये तकरीबन सात बजे का टाइम है और मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो नाश्ता दोनों साथ मिलकर करते हैं और आप लोगों में से किसी ने कहा था कि आप हैवी नाश्ता नहीं करती आप पराठा नहीं खाते <laughs> तो मैं आपको एक बात हो मैंने बहुत पराठे खाए हैं और अभी जितना वेट पुट ऑन किया है ना उसके बाद तो मेरा बिल्कुल कोई पराठा खाने का दिल नहीं चाहता हाँ फॉर हेल्दी रीजन मैं अंडा खाती हूँ और वो भी देसी घी में बना हुआ बिल्कुल हाफ टी स्पून के बराबर में देसी घी डाल के तो मैं अंडा उसमें बनाती हूँ क्योंकि दिस इज वेरी गुड और देसी घी आपको पता है ना उसकी कितने हेल्थ बेनिफिश बेनिफिट्स हैं तो तो आप देसी घी में अंडा बनाया करें तो आज मेरे दिल चाह रहा था थोड़ा सा ना स्क्रैम्बल्ड करके एग बनाने का और मेरा जो पैन है ना वो मैंने डिस्कार्ड कर दिया है और अभी मैंने अपने लिए एक नया जो है ना फ्राइंग पैन लेना है तो फिलहाल जो है मैं इसको इस पैन में बना रही हूँ तो खैर अब नाश्ते की बारी थी कि मेरे हस्बैंड उठ गए थे और मुझे ताकि मैं नाश्ता बनाती हूँ तो मैंने चाय बनाई है सिंपल टोस्ट मेरे हस्बैंड टोस्ट खाते हैं और साथ में जो है ना वो तो खैर अंडा बिल्कुल भी नहीं खाते मैं अंडा खाती हूँ कभी मैं ऑमलेट बना लेती हूँ अपने लिए कभी मैं सादा अंडा बना लेती हूँ सनी साइड अप और कभी कभी मैं स्क्रेम्बल एग्स बना देती हूँ क्योंकि एग यू नो इट्स वेरी हेल्दी फॉर योर हेल्थ अच्छा उसके बाद ये कि मैं साथ साथ अपना किचन समेटती रहती हूँ आप लोग मुझे मैसेज आते हैं कि आपका घर बड़ा टाइडी होता है देखिए जब आप साथ साथ अपना घर का किचन ऐसा नहीं है कि मेरा घर कभी मैसी नहीं हुआ मेरा घर मैसी भी होता है बट मेरी कोशिश होती है ना एज अ मदर कि मैं साथ साथ अपना घर समेटती रहूं जिधर कुछ फैल गया उसी वक्त उसको साफ कर लिया अगर कोई चीज़ गिर गई उसी वक्त उसको उठा लिया मैंने आप लोगों के साथ इस तरह की जो क्लीनिंग रूटीन है ना वो भी शेयर किया अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो मैं नीचे इसका लिंक दे दूंगी आप लोग देख लीजिएगा कि किस तरह से आप अपने घर को नीट एंड क्लीन एंड टाइडी रख सकते हैं क्विक क्विक मींस टू मिनट्स के अंदर आप वो काम करें तो आपका घर कभी भी मैसी नहीं होगा बट बच्चे हैं यू नो और वीकेंड होता है तो वो घर मैसी भी करते हैं ऐसा नहीं है कि नहीं करते और रात को क्योंकि वीकेंड था तो मेरा बेटा रात को एक दो बजे तक बैठ के फुटबॉल का बड़ा शौकीन है तो वो रात को लेट आर्स तक टी वी पर फुटबॉल खेलता है तक उसके अपने कमरे में टी वी है बट वो सिर्फ उस पर प्ले स्टेशन खेल सकता है खैर एनी वेज उसके बाद क्योंकि मेरे हस्बैंड उठ चुके थे मैंने अपने कमरे को टाइडी कर दिया था और ये तकरीबन साढ़े सात बजे का टाइम हो रहा है और इस वक्त मैं फिर बैठ के अपने जो कमेंट्स होते हैं ना जितने आप लोगों ने मुझे कमेंट्स किए होते हैं मैं मोस्टली उनका जवाब जो है ना वो इस वक्त देती हूँ अपने वर्क स्टेशन पर बैठ के मेरा अलग से वर्क स्टेशन है आई एम नॉट लाइक सिटिंग विद माई फैमिली जब मैं एडिटिंग वगैरह करती हूँ ना तो मैं बिल्कुल मेरा अलग वर्क स्टेशन है जो कि मेरे बेडरूम में है और मैं ज्यादा फिर इंटरेक्ट नहीं करती और ये टाइम ऐसा होता है ना क्योंकि ये साढ़े सात बजे और आठ बजे का टाइम है तो इसमें मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मैं अपना एक तो स्केजल बनाती हूँ कि मैंने आज पूरे दिन में क्या क्या करना है मोस्टली मैं ये रात को बना लेती हूँ लेकिन रात को क्योंकि मैं थक के सो गई थी तो मुझे तो सुबह बना लूंगी तो ये मेरा डायरी है जिसमें मैं पूरी पूरा स्केजुअल बनाती हूँ अपना कि आज मैंने ये ये काम करने और कौन कौन से ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो करनी है और मेरी एक और डायरी है ब्राउन कलर की वो जो सामने आपको नज़र आ रही होगी उसके अंदर मेरा पूरा व्लॉग की डिटेल होती है कि मुझे क्या 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 चीज़ें चाहिए हो सकता है कभी कोई रेसिपी होती है जिसमें मेरे इंग्रेडिएंट्स नहीं होते तो जब मेरे हस्बैंड जा रहे होते हैं दलाल को स्कूल से लेने के लिए तो वो मैं उस वक्त मंगवा लेती हूँ मोस्टली जो ये टाइम होता है ना वीक डेज में भी तो मेरे बच्चे स्कूल जा चुके होते हैं और यही टाइम होता है साढ़े आठ से साढ़े सात से साढ़े आठ बजे तक जब तक मेरे हस्बैंड तलाल को ड्रॉप करके वापस आते हैं मैं इस वक्त अपने कमेंट्स का जवाब इस वक्त मैं अपना पूरा स्केजुअल या जो जो चीजें मुझे सारी नोट डाउन करनी होती है जोट डाउन करनी होती है वो सारे काम जो है ना मैं इस वक्त कर रही होती हूँ तो आज का स्केजुअल मैं पूरा बना रही थी मुझे जो जो काम करने थे वो सारी की सारी चीजें मैं इस पे नोट डाउन कर लेती हूँ अगर आप आप यूट्यूबर हैं या अगर आप होम मेकर हैं तो आप अपनी छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि आप अपनी जिंदगी पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बिलीव मी आपकी जिंदगी बहुत आसान बन जाएगी अगर आप ये सारी चीजें अपने लाइफ पे इम्प्लीमेंट करेंगी आपका बहुत टाइम बचेगा अच्छा जी आज मैंने जो है ना जो मेरा क्लीनिंग uh, का होता है ना मैं डेली बेसिस पे एक जगह जरूर क्लीन करती हूँ जरूर डीप क्लीन करती हूँ वैसे तो मैं करती रहती हूँ ऑन एंड ऑफ थोड़े थोड़ा बहुत बट ये होता है कि बहुत ज्यादा काम होता है मेरा एडिटिंग का इतना काम होता है मेरा शूट का इतना काम होता है तो उसमें ये होता है कि मुझे होता है कि कोई जगह निगलेक्ट ना हो तो आज जो मेरी डीप क्लीनिंग है दैट इज माई चूल्हा एंड ये चूल्हा जिस कंडीशन में मुझे मिला था बिलीव मी मैं आपको नहीं बता सकती अगर आपने मेरे इस घर के नए पुराने व्लॉग्स देखे होंगे तो इस घर में ये चूल्हा मुझे बहुत ही

और फिर मेरा एक जो है ना मेरा स्प्रे है जो कि ये वाला स्प्रे आप देख सकते हैं इसे मैं यूज करती हूँ इसके अंदर पानी है डिशवॉश लिक्विड है थोड़ा सा एंड सिरका है और फिर जो है मैंने सबसे पहले इसमें डाल दिया था डिशवॉश लिक्विड ऊपर से डाला फिर मैंने इसके ऊपर सोडा डाल दिया ठीक है और अब इस सोडे को एक्टिव करने के लिए मैं इस पे ये जो सिरके वाला पानी है ना विनेगर वाटर ये मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और मैंने इसको 10-15 मिनट छोड़ दिया था मैंने आपको बताया था मैं कोई भी टास्क जो है ना बीच में ब्रेक्स लेके करती हूँ तो जब तक ये 15 मिनट हो रहे थे मैंने जाके अपना एक जो जो व्लॉग्स में देखती हूँ मैं वो लगा के तो मैंने वो व्लॉग पूरा पंद्रह मिनट देखा और उसके बाद मैंने आके अपना चूल्हा साफ करना शुरू कर दिया तकरीबन साढ़े आठ नौ बजे का टाइम होगा तो खैर मैंने ये अपना चूल्हा अच्छी तरह से जो है ना मैंने इसको स्क्रबर से जो होता है ना जिससे हम बर्तन धोते हैं मैंने एक चूल्हे के लिए रखा है बस मैं इसके ऊपर अच्छी तरह मारती गई ये जो सिरका और जो आ, सोडा है ना ये इसकी जो ये काली काली जो चिकनाई होती है ना ये तो अभी चूल्हा बहुत साफ हो गया आप लोगों ने पहले नहीं देखा था मुझे है कि इसको बिल्कुल ब्रांड न्यू बना के छोड़ूंगी मैं इन शाह ये कि डेली बेसिस पे तो मैं इसको पे नहीं कर सकती इतनी मेहनत लेकिन मैं वीकली इस इसपे एक आध बार ये वाली मेहनत जरूर करती हूँ डेली तो ये चूल्हा साफ होता है आप लोग देखते हैं मैं इस पे कुकिंग करती हूँ लेकिन मुझे है कि इसके अंदर अंदर जो काले काले दाग है ना भले ये रेंटल घर है ये मेरा घर नहीं है ये रेंट पे हमने लिया भाई इसको साफ करना मेरा काम है मैं इस तरह नहीं कर सकती कि जी ये रेंट का घर है तो तबाही मचाओ क्योंकि इससे पहले इस घर में सिर्फ एक ही फैमिली रह के जा चुकी है रेंट पे और उन्होंने इस घर की जो तबाही मचाई है ना वो हमें पता है हम आए हम सफर करें और ये जो दीवारों पे आपको काला कलर नजर आ रहा है ना साइड पे ये चूल्हे के साथ दीवारें ये चूल्हा पता नहीं कितना तेज जलाते थे कि किनारे सारे उसके जले में तो वो तो या तो उसके ऊपर पेंट होगा या आई डोंट नो क्या होगा क्योंकि मार्बल पूरा जला हुआ है तो थोड़ी बहुत मेहनत जब आप अपने घर पे करते हैं ना उसको अपना घर समझ के तो वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीजें साफ हो जाती हैं एंड आई बिलीव कि एक दिन में आप घर मुल्ला नहीं बन सकते एक दिन में आप सारे घर को साफ नहीं कर सकते आप एक एक टास्क लेंगे तो आपका घर साफ हो जाएगा तो आप देख सकती हैं मैं इसको अच्छी तरह से क्लीन कर रही हूँ और ये जो किनारे बने हुए ना इसकी मैं कोशिश करती हूँ ना बटर नाइफ होती है उसके ऊपर उससे इसके किनारों को मैं साफ कर दूं तो उससे होता है कि ये अच्छी तरह से इसके किनारों में जो मैल या क्योंकि फ्राइंग होता है होती है इसके अंदर तो सारा गर्दा और ऑयल का सारा जो है ना वो जमा होना शुरू हो जाता है तो इस तरह आप साफ करेंगे तो आपका कला चूल्हा जो है ना कभी गंद

तो अब मेरी अम्मी जब आती है ना तो फिर मैं थोड़ा बहुत कोई ड्रामा अगर उनके साथ बैठ के देख लूँ अदरवाइज मैं बिल्कुल ड्रामे नहीं देख सकती मुझे ना ड्रामे के इतना स्टेमिना नहीं है कि मैं एक हफ्ते का वेट करूं कि अगले हफ्ते उसकी न, दूसरी किस्त आएगी तो मैं मोस्टली क्या करती हूँ कि मैं मोस्टली बस अ, अ, या तो सीजन देख लेती हूँ किसी ने मुझे कहा था कि आप कार्डेशियन देख रही हैं तो वो किस पे देख रही है मैंने मैंने हुलू पे लिया हुआ है आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं हुलू की और मैंने जो है ना उसके लिए आप क्योंकि वो ऐसे नहीं चलेगा आपके लैपटॉप पे तो उसके लिए आपको करना ये पड़ेगा कि आप वीपीएन लेंगे तो वो भी मैंने लिया हुआ है तो एक एंटरटेनमेंट है उसमें मैं आराम से मूवीज देख तो टॉपिक कहाँ कहा चला गया वो मेरा मैंने वो सारे सीजन जो है न, वो देखे है और वो एच पे आता है वो किसी और जगह पे नहीं आता है आपको डाउनलोड करना पड़ता है वो तो मैंने खैर डाउनलोडेड देखा था और अभी उसका जो दूसरा है ना हाउस ऑफ ड्रैगन वो मैं आजकल देख रही हूँ अगर कोई मेरा सब्सक्राइबर वो देख रहा है ना ही इज माई फेवरेट और शी इज माई फेवरेट बिकॉज हाउस ऑफ ड्रैगन एंड गेम ऑफ थ्रोन्स ये मेरी मोस्ट फेवरेट जो है ना वो सीजन में आता है खैर एनी वे चूल्हा जो है वो मैंने साफ कर लिया मेरी आदत है मैं गंदे किचन में काम नहीं कर सकती तो सुबह का टाइम है और तकरीबन कोई बीस मिनट मुझे लगे होंगे अपने चूल्हे पे और मेरा चूल्हा बिल्कुल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन हो गया था तो अभी मैंने जो क्योंकि अपना पूरा स्कैजल बनाया हुआ था तो उसके अकॉर्डिंगली अभी मेरे हस्बैंड जब थोड़ी देर के लिए बाहर गए थे तो मैंने उनसे अंडे मंगवा लिए थे और मुझे था कि अंडे जो है वो ख़त्म हो गए तो बेहतर है कि मैं अंडे मंगवा लूँ तो मेरे हस्बैंड अंडे ले आए थे तो अगर मैं ये स्केजुअल ना लिखू ना तो मैं भूल जाती हूँ कि कौन सी चीज है क्योंकि आपको पता है मैं आई एम डायबिटिक और मैं ग्लूको खाती हूँ ग्लूको जो है ना वो आपकी मेमोरी को बहुत डैमेज करता है तो मैं इस वजह से भी अपनी एक एक चीज लिखती हूँ ताकि मैं भूलू ना खैर एनी ये अंडे आ गए थे और मेरी आदत है कि मैं अंडे हमेशा धो के रखती हूँ और सर्फ से या सर्फ कहते हैं ना न डिशवाश लिक्विड या बर्तन धोने वाला साबुन मैं अंडे उससे धोती हूँ और अच्छी तरह से मैं उनको साबुन लगा के तो फिर उसके बाद मैं उसको वॉश करके इसी टोकरी में छोड़ दूंगी ताकि अंडे जो है ना वो अच्छी तरह से सूख जाए तो सुबह सवेरे आपके घर के कितने काम हो गए और जब तक अब मैं नींद से उठती ना बिलीव मी तो ये सारे कामों में मुझे दो तीन बच जाने थे और आज जो है मैं ये सारे काम जो नॉर्मली मैं करती हूँ सुबह तकरीबन 11 बजे तक मेरे घर के सारे काम हो चुके होते हैं मेरा घर नीट एंड क्लीन होता है मेरे कमरे सिमटे हुए होते हैं और मेरे बच्चे अपने इस कॉलेज स्कूल जाते हुए अपने कमरों को समेट के जाते हैं तो दैट इज देयर ट्रेनिंग और वापस आके मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है इन किचन एंड वो थोड़ी बहुत जो काम होते हैं वो मेरे साथ करती है खैर एनी वेज आज मेरे प्लान था कि चिकन आलू वाला सालन बनाऊंगी मेरे हस्बैंड के गाँव की रेसिपी है तो ये मैं आज आप लोग से शेयर कर रही हूँ तो ये जो आप देख रहे हैं जो मैंने थैले से निकाल के इसमें डाला है ये प्याज और टमाटर का पेस्ट है जो कि रात को मैंने ब्लेंड करके कप में मीन्स फ्रीज किया हुआ था और फिर उसके बाद मैंने सुबह निकाला तो फिर मुझे था कि चलो अभी मैंने फिलहाल तो मैंने खाना नहीं बना रही तो मैं इसको जिप लॉक मैग में डाल के तो फ्रीजर में रख दिया था तो मैं बताती हूँ कि मैंने तकरीबन कोई दो प्याज लेके फ्राई करके तो उनको ब्लेंडर में डाला उसके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट डाला और उसके साथ मैंने तीन टमाटरों को डाल के तो उसको पेस्ट बना लिया था अब ऑयल में मैंने ये पेस्ट डाला थोड़ा सा पानी डाला ताकि ये सॉफ्ट हो जाए ढक्कन बंद किया उसके बाद मैंने ढक्कन खोला और ये जो मेरे हस्बैंड में मेरे हसबैंड एक्चुअली ही इज फ्रॉम चकवाल तो वहाँ पर जो है ना वो शादियों वगैरह पे ये वाला सालन बनता है और इवन डेथ्स पे भी ये वाला सालन बनता है ये बड़े मज़े का सालन होता है तो उसमें ना मैंने उसके जो कुक था ना जो ये बनाता था उसको बुला के उसकी रेसिपी पूछी थी तो उसने मुझे बताया था कि बस हम गरम मसाले खड़े डालते और उसने मुझे अपने सीक्रेट्स नहीं बताया तो मैंने उसके बाद इतने एक्सपेरिमेंट्स किए और आखिरकार वो रेसिपी मैंने हासिल कर ही ली तो इसमें मैंने डाला नमक लाल मिर्चों का पेस्ट हल्दी जीरा और खड़े मसालों में मैंने डाला है दारचीनी लॉन्ग और बड़ी मोटी इलायची ठीक है अब ये मैंने डाल दिया ताकि जो गरम खड़े मसाले ना इनका अर्क अच्छी तरह से निकल जाए उसके बाद वो अभी साइड पे कुक हो रहा था चिकन मेरे हस्बैंड चिकन और अंडे लेकर आए थे चिकन मैंने धो ली थी अब जो है मैं आलू साफ हूं, आलू कर रही और सीरियसली आलू आजकल इतने खराब आ रहे हैं कि आधे आलू अंदर से खराब होते तो आप देख भाल के आलू लें हम तो खैर पाँच किलो ले आते हैं वो पूरा थैला होता है और इतना टाइम नहीं होता कि आप उसको देखें लेकिन मुझे था कि नेक्स्ट टाइम मैं दो दो किलो लेकर आऊंगी आधे तो आलू जो है वो इस मीन्स निकल जाते हैं इसी कचरे में क्योंकि अंदर से जो है ना आलू गले हुए होते हैं तो आलू मैंने तकरीबन कोई तीन चार लिए हैं और मेरे घर में जो है ना मोस्टली बोनलेस चिकन खाई जाती है लेकिन आज हुआ यह है कि मेरे हस्बैंड को बोनलेस चिकन क्योंकि सवेरे सवेरे वो गोश्त लेने चले गए थे तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी तो फिलहाल हमारे पास जो है ना जिंदा मुर्गी पड़ी है बोनलेस हमने बनाया नहीं है तो उसमें टाइम लगेगा तो मेरे हस्बैंड ने कहा चलो मैं ये ले आता हूँ तो मुझे तो चलो शोरबे में जो है ना यही वाला जो बोन वाली चिकन होती है ना यही मज़े की लगती है तो ये मैंने आ, बोन वाली चिकन धो के रख दी है और अब आलू जो है मैं इसको सालन की तरह काट सकती हूँ आप देख रहे हैं कि कितने इसके अंदर जो है ना वो मैंने पीसेस निकाल निकाल के फेंके हुए क्योंकि आलू बिल्कुल अच्छे नहीं आ रहे तो खैर ये रेसिपी जो है ना ये जरूर ट्राई कीजिएगा इट्स वेरी अमी बिल्कुल सादी घरों की हर घर की रेसिपी है बट बहुत मज़े की बनती है अगर इसमें आप खड़े मसाले डालेंगे और उसको ज्यादा देर तक कुक करेंगे तो उसका टेस्ट जो है ना वो कंपैरेटिवली नॉर्मल चिकन आलू वाले सालन से बहुत डिफरेंट होता है तो so खैर अब मैंने ये मसाला देख सकते हैं ये इसका प्याज टमाटर वाला जो ग्रेवी थी ना वो बिल्कुल ही उसमें ऑयल अलग होना शुरू हो गया है और आ, सालन जो है वो अलग होना शुरू हो गया तो अब मैंने इसके अंदर ये आलू डाले अब आप कहेंगे इतनी बहुत मैंने आलू क्यों डाले क्योंकि मेरे घर में आलू ज्यादा खाए जाते हैं सालन में <laughs> गोश्त इतना कोई नहीं खाता तो खैर तकरीबन एक किलो गोश्त था उसमें से हाफ के जी मैंने इसमें डाल दिया और हाफ के जी मैंने दोबारा पैकेट बना के तो मैंने फ्रीजर में फ्रीज करने के लिए रख दिया कि नेक्स्ट टाइम अगर मैंने पुलाव बनाना था या फिर मैंने कोई और सालन बनाना था तो मैं उसमें यूज कर लूंगी क्योंकि मोस्टली मैं बोनलेस चिकन यूज करती हूँ मेरे बच्चों को बोनलेस अच्छी लगती है बस थोड़ी देर मैंने इसको दम दिया है उस वक्त तक जब तक ये मैं देखूंगी कि इसके आलू गल गए हैं या नहीं और चिकन जो है ना वो भी गल गई है या नहीं क्योंकि बोनलेस चिकन जल्दी गलती है और बोन्स वाली चिकन जो है ना वो थोड़ी सी टाइम लगा के गलती है अब मैंने इसमें जो है वो देगी मिर्च डाल दी है और देगी मिर्चों के लिए भी पहले मुझे क्वेश्चन आया था कि कहाँ से लिए जो खुले मसाले होते हैं ना आप मेट्रो पे जाएं आपको वहां पर भी मिल जाएगा इस दफ़ा तो खैर मैं ग्रोसरी लाई ही मेट्रो से थी और इसके अलावा मेट्रो के अलावा ये जो है आपको संडे बाजार में जो खुले मसाले वाले होते हैं ना उस पर मिल जाएगा तो मैंने जो है देगी मिर्च या कश्मीरी मिर्च डाल दी ये सिर्फ इस कलर के लिए होता है क्योंकि ग्रेवी का ना फिर कलर बड़ा बहुत प्यारा सा आता है और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया गरम मसाला घर गर का पिसा हुआ और वो डाल लेने के बाद ना मुझे था कि चलो ये जब तक ग्रेवी अच्छी तरह से पकड़ी मैंने पानी डाल दिया था ताकि आलू और ये गल जाए तो मुझे अभी बनाना था बनानी थी लस्सी और लस्सी के लिए ये है कि दही मैंने सुबह ही बाहर निकाल के रख दिया था मौसम थोड़ा सा प्लेजेंट हो रहा है लेकिन वो ये कि थोड़ी देर के लिए मुझे था कि थोड़ी खट्टी लस्सी ना मजे की लगती है तो खैर मैंने अच्छी तरह से जो है ना दही वगैरह फेंट लिया था और लस्सी जो है ना अब भी ही पीने वाला मौसम है इसके बाद तो अक्टूबर के बाद हम अक्टूबर जब स्टार्ट होगा तो आई डोंट थिंक सो कि मैं लस्सी वगैरह पीऊंगी और क्योंकि मेरे हस्बैंड साथ में धनिया पुदीना भी ले आए थे मुझे था कि ये धनिया पुदीना भी जो है ना मैं संभाल लूँ मैं बगैर धोए हुए धनिया और पुदीना को इस तरह से प्रिजर्व कर लेती हूँ और ये पूरा महीना भी चल सकते हैं इस तरह अगर आप इसके नमी का ख्याल रखें कि इसमें ज्यादा नमी ना बने तो so, खैर ये था मेरा प्रोडक्टिव मॉर्निंग और ये अब मैं आपको बताऊं कि ये सुबह के तकरीबन साढ़े दस बज रहे हैं मेरा खाना भी रेडी हो गया है लस्सी भी बन गई है सब कुछ रेडी हो गया है सो so, पाँच बजे उठने के आपको जो फायदे होते हैं ना वो ग्यारह बजे उठने पे नहीं मिलते सो so, ये था मेरा आज का ब्लॉग उम्मीदें पसंद आया होगा पसंद आता है तो लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी इन शाला इन माई नेक्स्ट ब्लॉग टिल देन आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिएगा दुआओं में मुझे याद रखिएगा टेक केयर एंड अल्लाह हाफ